हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, ये डिनर के टाइम का है, मतलब जो कल का व्लॉग आपने देखा ना उसी रात का है ये। और आज तो इनकी ड्यूटी थी, मतलब डिनर बनाने की। डिनर तो पूरा नहीं बना सकते ये, सिर्फ खाली सब्जी सब्जी बना सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सब्जियाँ बनाई थी लेकिन उन्होंने, यहाँ पर चिकन करी है, ये मिक्स वेज तो सुबह की है, ये यहाँ पर रोटियाँ है, और उसके बाद चिकन फ्राई बनाया था, उसके बाद पोटैटो फ्राई बनाया था। बहुत अच्छा डिनर था, बहुत ही टेस्टी वाला डिनर था। बस यहाँ पर हम लोग डिनर कर लेंगे, आप भी आ जाइए डिनर करने, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में। मिस्त्री भैया को बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा कर लेना आप अपने हिसाब से, थोड़ा सा मुझे कम ज्यादा लग रहा है तो वो पत्ती लगा के काटेंगे ना। हाँ, वो काटेंगे ना उनके हिसाब से, बराबर प्लेन रहेगा। हाँ, ये अपना टुकड़ा है क्या इधर? हाँ, वो उधर का यहाँ का है, उसको मतलब अखंड ही काटना पड़ेगा। हम्म, नीचे से ज्वाइंट कर लेना, माइका से पट्टी चिपका लेना। उनके दिमाग में जल्दी आ जाता वो ऐसा है ना, तो कटिंग करके आप रख देना, हम मशीन लाएंगे स्टेपलर, उससे हम ज्वाइन कर लेंगे सब। लेकिन काटने के लिए दिक्कत जाएगा, उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे जब कटर चलेगा तो पंपल सही रहा तो अगर हम मशीन लेकर आते थे तो इसको ज्वाइन कर देते थे ऊपर नीचे सब, इधर से खिला मार देते थे, उधर से खिला मार देते थे, मुड़ा मजबूत हो जाता। तुम्हारा कसा इजी जाणार ते सांगा मला, तुम्हारा इजी जाणार का हे कापायला? हा, फक्त थोडं म्हणजे ते कमी जास्त आहे तर ते फक्त डिस्टन्स व्यवस्थित करून घे जा। हा, जसं 5 इंच हा, फक्त तिकडनं साईडचे 5 इंच आणि इकडचं हे आणि हे 5 आहे, ते आणि ते 5 आहे, तर तुम्हाला स्केल जिथपर्यंत जाते आता त्यांनी ते थोडंसं गेलं त्यांचं, तुमची जिथपर्यंत स्केल जाते तिथपर्यंत बरोबर तसं हे कर्ज। हा बस, ते तसंच। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हेडबोर्ड बनाने के लिए वो भैया आ गए थे, तो इसी वजह से उन्होंने डिज़ाइन ड्रॉ करके दी थी अब मिस्त्री भैया को। अभी ये काटेंगे शीट, और ये 6 mm की शीट होती है, बहुत पतली शीट होती है, तो ये काटना पड़ता है और उसके ऊपर फोम और कपड़ा लगाया जाता है, तो वो तो आपको बाद में ही देखने के लिए मिलेगा सब कुछ। बट अभी तो फिलहाल वो मिस्त्री भैया को समझा रहा है, जो हमारे कारपेंटर भैया है उन्हें समझा रहा है कि ऐसे ऐसे काटना है, ऐसे ऐसे इतना इतना छोड़ना है, जो कुछ है वो उनको समझा रहा है। डिज़ाइन तो मैंने ही दी है उन्हें, क्योंकि वो हमसे डिज़ाइन मांगते हैं या तो फिर वो खुद की डिज़ाइन दिखाते हैं, तो मुझे जो पसंद थी वो डिज़ाइन मैंने दी उन्हें। तो अभी ये जो है वो सारा कारपेंटर भैया काट के देंगे और फिर वो बनाने के लिए लग जाएंगे। एक्चुअली कुछ सामान बाकी है इसका, तो वो लाएंगे और उसके बाद वो काटना और फिर वो लगाना। जिनके घर में हुआ होगा उनको तो पता ही होगा कैसे होता है, अगर नहीं पता आपको तो, अगर आपको बनवाना है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखाई दूंगी कि आपको अगर बनवाना है तो आपको थोड़े से आइडिया हो जाए, तो कैसे कैसे काटना है, कैसे कैसे लेना है, कैसे कैसे कपड़ा लेना है, तो ये सब कुछ आपको आइडिया आ जाएगा। और ये मिरर के पीछे 2 दिन से लगे थे, फाइनली मेरा मिरर बन गया है ये, मतलब जो मुझे लाइट वाला मिरर चाहिए था, और वो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा कि ये मैं कहाँ रखने वाली हूँ, कैसे होने वाला है, सब कुछ आपको फाइनल हो जाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर अद्विक को नहला दिया था, अद्विक को रेडी कर दे रही हूँ, उसके बाद मेरे बाकी के काम होंगे, मतलब नहाना भी बाकी है मेरा अभी भी, तो वो सारे काम होंगे, नहाना होगा, फिर बाकी के काम होंगे, फिर और रहता है ये कारपेंटर भैया आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनको बताना होता है, दिन भर ऐसे ही बिजी चला जाता है, तो वही होता है। बस यहाँ पर ये कर लूँगी और उसके बाद अपने काम में लग जाऊँगी। देखो यहाँ पर कुछ कपड़ों का गट्ठा निकाल लिया है और उसे फोल्ड कर रही है, अपने अपने कपड़े ही करती है फोल्ड। देखो यहाँ पर फोल्ड करके रख रही है, अभी वन पीस है, शॉर्ट्स है, वो अलग अलग रख रही है अभी, क्योंकि उसे वार्डरोब भी सेट करना है ना उसका, इसी वजह से अभी से तैयारी कर रही है उसकी। और देखो मेरे वो वाले मतलब पहले वाले इसमें मम्मा के निकल, ये तो मेरे कपड़े पता नहीं कैसे चले गए इसमें, अद्विक का भी निकल गया, मेरा भी, ये मेरा स्वेटर है वैसे,
ये देखो ये बचपन का माही का स्वेटर है, अद्विक को होता है अभी, अद्विक को भी छोटा हो रहा है अभी। हाँ। ये पता नहीं अभी कौन पहनेगा। माही का स्वेटर है, हमारे पड़ोसी ने बना के दिया था ये वाला स्वेटर हमें, मतलब मैंने उलन लाई थी ये, और उसके बाद उन्होंने बना के दिया था, माही जब छोटी थी बरेली में बना के दिया था ये वाला स्वेटर। अभी इसको थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, इससे रुइया निकल रही है इसकी, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता था यार ये, बहुत ज्यादा शाइन करता था उस टाइम स्वेटर। मम्मा जैकेट पे क्या करूं इसका, पता नहीं अभी होता नहीं अभी, वो पता नहीं क्या करेंगे, वो निकाल लो जो जो आपको नहीं होता ना, साइड में निकाल लो सब सारी चीज़ें, और जो आपको अभी होता है ना तो वही रखो, बाकी की सारी, हाँ बाकी सारी चीज़ें निकाल लो, वो किसी को डोनेट कर देंगे। अभी के बारिश हो रही है, आज भी श्रीखंड लाया है क्योंकि माही का बहुत मन कर रहा था श्रीखंड खाने का, इस वजह से पूरे वाटरप्रूफ है ना, टेंशन नहीं है। देखो बारिश कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है, अब भी बारिश स्टार्ट हुई, और ये मतलब यहाँ तक ही होंगे, घर के पास ही होंगे, देखो कोई बात नहीं, टॉवल ले लो। अद्विक अद्विक दूर 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 दूर, बाल कैसे बनाए, ऐसा नहीं लग रहा बाल ऐसे ऊपर बनाए, अरे वो बाल बढ़ गए ना, उसकी कटिंग करके लानी है उसकी। शाम के 7 बज रहे हैं और बच्चे खा रहे हैं मैगी यहाँ पे, एक मिनट दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। नहीं मम्मा, मिर्च पाउडर डाला इसी वजह से, मुझे लगा कि ऐसे ही दिख रही है ये, कौन सी जोलो चिप्स रहती है तो मतलब वो बहुत तीखी होती है। अच्छा अच्छा, ये तीखी नहीं है क्या? नहीं ये तीखी नहीं है, नहीं। अच्छा है फिर तो, अच्छा मेरे पास जोलो चिप्स ही नहीं है। हाँ अच्छा है फिर यार तो, अच्छा है, खा लो खा लो, अच्छी लग रही है ना, टेस्टी। चलो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। नहीं ना मुझे नहीं चाहिए ना बेटा, आप डेटिंग भी हो गया। हाँ मैं डेटिंग पे, वो सही पहचाना आपने। तो गाइस मुझे सारी कुर्तीज रिसीव हो गई है और आप लोगों का वेट खत्म हो गया, आप लोग भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि इन्होंने मुझे कौन सी कुर्तीज गिफ्ट किया है, जो भी कुर्तीज है वो मैंने खुद ऑर्डर की थी और पैसे इनके है, मेरी चॉइस है सारी, क्योंकि अगर शॉप में जाते हैं तो इनसे पूछती हूँ, बट ऑनलाइन इनको इतना नहीं पता है, तो ऑनलाइन कैसे आते हैं क्या आते हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का, इसी वजह से मैंने ही परचेज किए थे, जो जो मुझे पसंद आया वो। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर, इतना प्यारा कलर है ना आपको क्या बताऊँ, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये, और सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, इसी वजह से तो मैंने मंगाए हैं। तो ये देखो इतना सुंदर है ना, आपको क्या बताऊं, ग्रीन मतलब जो मेहंदी ग्रीन कलर है ना वो और येलो कलर, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद ये देखो फ्रिल बहुत ज्यादा है, घेर बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा घेर है इसमें, और उसके बाद स्लीवलेस कुर्ती है, कॉटन की कुर्ती है, फ्रंट नेक इसका देखो आप, राउंड नेक है, बहुत प्यारी लगी मुझे, और यहाँ पर मैंने एम साइज इसकी मंगाई है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैंने एम साइज तो मंगा ली, बट इसका मैंने ऐसे ट्राई तो नहीं किया था, बट ऐसे ऊपर से डाल के देखा था तो थोड़ा सा मुझे स्लीव्स में टाइट लग रहा था, अभी वैसे भी मुझे वेट लॉस करना ही है तो इसी वजह से मैंने रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने सोचा चलो मैं इसमें आ ही जाऊंगी फिट। तो ये है मेरा फर्स्ट मतलब ड्रेस या कुर्ती बोल सकते हो, एज अ ड्रेस भी आप इसे पहन सकते हो, मस्त शूज पहन लो नीचे, स्लीवलेस ये वाला सिर्फ ड्रेस पहन लो और नीचे शू पहन लो व्हाइट कलर के, इतने प्यारे लगेंगे ना आपको क्या बताऊं। और मैंने इसके साथ पहनने के लिए गोल्डन शू भी मंगाया है, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ, ये है गोल्डन शू एक। उससे पहले ना सॉरी यार, उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको इसका श्रग, जो मुझे इसके साथ मिला है, मतलब जो येलो कुर्ती है उसके साथ मुझे श्रग मिला है, तो ये वाला श्रग है और काफी अच्छा है, मतलब जैसे चिकनकारी वर्क नहीं होता है उस टाइप का, ये जैसे जाली जाली से वर्क है इस पे, और इस पे भी ग्रीन और क्या बोलते हैं येलो कलर के फूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब आप इसे कोई भी अगर आप स्लीवलेस कुर्ती पहनते हो ना तो उस पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो स्लीवलेस पहनने में तो आप ये वाला पहन सकते हो उसके ऊपर, तो इसी वजह से ये काफी स्टाइलिश दिखता है पहनने के बाद। और उसके बाद मैंने जो आपको बोल नहीं रही थी कि गोल्डन कलर का शू मंगाया है उसके ऊपर पहनने के लिए, तो ये है वो,
ना प्यारा शुरू से हुआ है ना कि आपको क्या बताओ, ये देखो सुंदर है यार शूज, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग हमेशा लिंक्स मांगते रहते हो, मैं जो भी लेती हूँ उसका, तो उसका आपको इन सारी चीजों का आपको लिंक सेपरेट सेपरेट लिंक भी मिल जाएगा और एक सिंगल लिंक भी मिल जाएगा माय हाउस स्टोर का, आप उसे क्लिक करना तो उसपे आपको ये सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे और मतलब एक एक लिंक चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला शू है इतना प्यारा लगाना मुझे और प्राइस के अकॉर्डिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब सोल बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइट वेट है, तो हमें अगर दिन भर रखना है तो लाइट वेट ही चाहिए, हेवी हम लोग नहीं रख सकते। तो ये है मेरा शू। और उसके बाद जो अभी कुर्ती दिखाने वाली हूँ ना, वो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जैसे कि मुझे पसंद आई है। तो ये है वो कुर्ती, बहुत बहुत ही बढ़िया कुर्ती है। आप देखो, मतलब व्हाइट कलर में कुर्ती है इस टाइप की, मेरे पास येलो कलर की कुर्ती है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई हुई है और वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी ना, तो मैंने उसमें व्हाइट कलर ऑर्डर कर दिया। 3/4 स्लीव्स है इसकी, 3/4 से ज्यादा आती है, यहां तक आती है स्लीव्स। और इसमें भी मैंने साइज ऑर्डर किया है एम। इंडियन विरासत की कुर्ती है और इंडियन विरासत के कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। और घेर देखो आप, इसका घेर काफी बड़ा है इसका और मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें थोड़ा सा ऐसे गोल्डन टाइप में ये ऐसे धागे धागे सा है थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा अच्छी कुर्ती है ये। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मतलब सारी कुर्ती बहुत ज्यादा अच्छी लगी इसी वजह से रखी है मैंने, नहीं तो आने के बाद अगर अच्छी नहीं लगती तो मैं रिटर्न कर देती। तो ये देखो, ये है मेरी थर्ड कुर्ती, स्काई ब्लू कलर में कुर्ती है, मतलब ब्लू कलर है और इतना प्यारा कलर है, पीछे से जिप दी हुई है, इसकी वजह से इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है। इदालिया की कुर्ती है और इदालिया की भी कुर्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। आप स्लीव्स देखो इसकी, थोड़ी सी लूज लूज जो स्लीव्स होती है ना वो है, और इस पे भी गोटा पट्टी का वर्क किया है, पतली गोटा पट्टी। और यहाँ पर आप देखो ये कुर्ती, इस कुर्ती का घेर देखो कितना ज्यादा है, इसके अंदर एक इनर है जो नीचे से ऐसे फॉल देता है, ये देखो इसके अंदर इनर है और इनर का इतना पट्टा नीचे आएगा और यहां तक ये ऊपर का आएगा। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी ये कुर्ती मुझे, मैं पहन के आपको सारी कुर्ती दिखा दूंगी कि मुझ पे कैसी लगती है, बट सबसे पहले आप देख लो। और इसका जो फ्रंट नेक है ना वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा ये ऐसे ओपनेबल है, यहाँ पर ये बटन दी हुई है, मतलब अगर आपका इतने में सिर नहीं जाता है तो आप नीचे भी कर सकते हो और इसे भी ओपन कर सकते हो। ये जैसे शो के लिए दिया है, वैसे बहुत 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 ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, मुझे इतने पसंद आए ना इस बार की जो कुर्ती मैंने ली है, और थोड़े महंगे लिए है तो इसी वजह से पसंद तो आने ही थे, बट बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये वाला लिया है नेक्स्ट कुर्ता सेट, तो ये इस पे चुन्नी भी रिसीव हुई है मुझे और एक कुर्ता सेट है, मतलब एक कुर्ता है अम्ब्रेला कुर्ता और उस पे चुन्नी भी रिसीव हुई है मुझे, ये इस कलर की बहुत प्यारी चुन्नी है। मैं आपको चुन्नी बाद में दिखा दी हूँ, पहले कुर्ता दिखा देती हूँ। बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा सी थ्रू है ये, इसमें आपको स्पगेटी पहननी पड़ेगी अगर व्हाइट या स्किन कलर की स्पगेटी इसके अंदर आपको पहननी पड़ेगी, थोड़ा सा सी थ्रू लग रहा है मुझे ये, बट इतना ज्यादा पसंद आया ना मुझे कि आपको क्या बताऊं, इसी वजह से मैंने रिटर्न नहीं किया, मेरा मन ही नहीं कर रहा है मैं इसके अंदर स्पगेटी ले लूंगी, मेरे पास स्किन कलर की स्पगेटी नहीं है तो मैं स्पगेटी ले लूंगी और पहनूंगी ये कुर्ता, थोड़ा सा बड़ी स्पगेटी लेनी पड़ेगी इसी वजह से मैंने ये रिटर्न नहीं किया। इतना सुंदर लग रहा है ना कुर्ता कि आपको क्या ही बताओ, ये देखो स्लीव्स पे वर्क कितना प्यारा है, उसके बाद नेक बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है यार, मैं आपको क्या ही बताओ। उसके बाद ये देखो इस पे चुन्नी रिसीव हुई है, तो ये सेट है, नीचे का नहीं है, बॉटम नहीं है इस पे, चुन्नी और ये कुर्ता ही है सिर्फ। तो चुन्नी मैं आपको दिखाती हूँ, चुन्नी कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारी है यार चुन्नी भी, काफी ज्यादा प्यारी है, ये बेज कलर में चुन्नी है, इतनी सुंदर लगती है ना कुर्ते पे। और ये कोसिया टाइप में कपड़ा है इसका, कुर्ती का बहुत बहुत प्यारा कपड़ा और मतलब कुर्ता भी बहुत सुंदर है। और उसके बाद ये देखो, ये मैंने अपने लिए गोल्डन कलर का ही मैंने शू ऑर्डर किया था और गोल्डन कलर की मैंने हील्स ऑर्डर की है, मतलब ज्यादा हील मैं पहनती नहीं हूँ बट इतनी हील पहन सकती हूँ, इतने में मैं कंफर्टेबल हूँ तो इसी वजह से ये वाली हील ऑर्डर की है। काफी ज्यादा अच्छी है यार, मतलब इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी मिलेगी, बट काफी अच्छी मिल गई। तो ये देखो
ओकेजनली पहनने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब इस वाले इसमें भी गोल्डन कलर है, इस वाले इसमें तीनों में भी गोल्डन कलर है ना, तीनों चारों में भी गोल्डन कलर है। तो इसे में जैसे मैं चारों पे भी इस वाली हील को पहन सकती हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये ली थी। मतलब गोल्डन वाली नहीं थी मेरे पास, जो थी वो खराब हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने ये ले ली। बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और हाँ, आपको मेरी जो शॉपिंग है मतलब बर्थडे की, वो कैसी लगी जरूर बताना मुझे कमेंट करके। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है आपके लिए। आपको सारी चीजें पहन के दिखा देती हूँ मैं अभी, और फिर मिलती हूँ आपसे। So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed a no one. I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? So I said no, no, no. It was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? So I said no, no, no. It was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do? होप गाइस सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और लाइक करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और इसके साथ सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलेगा, उसे ऑल पे क्लिक करना। उससे ही आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा पे भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड किए हैं, तो वहां पर भी एक बार चेक कर लेना, आपको पक्का पसंद आने वाले हैं। एक बार वहां पर चेक करने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय, अपना ध्यान रखना।